स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अल्पज्ञानी है, इसीलिए उनसे गलती होना स्वाभाविक है। हम सभी अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं। हम सब में से कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं है, और यही गलती कई बार हमें ऐसी सीख दे जाती है जो हमारे गलती नहीं बल्कि एक सबक बन जाती है। आदमी हो या औरत, हम सभी को अपनी गलतियों से सीख जरूर लेनी चाहिए। यदि आप अपनी गलती से सीख लेते हैं तो यकीन मानिए, आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दे कि गलती करना एक बात है और उसे दोहराना दूसरी बात है। पहली बात, गलती से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसी गलती को दोहराते रहे तो वो मूर्खता कहलाती है। माना जाता है कि गलती इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ये गलतियाँ ही तो है जो हमें सफलता की मुकाम तक ले जाती है। अगर हम इनसे कुछ ना सीखे तो सारी जिंदगी एक ही जगह पर बैठे रह जाएंगे। गलतियाँ ही है जिनसे आपको तजुर्बा है। गलतियाँ करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि गलती करना भी एक कार्य है जिसे आप जितनी जल्दी समझेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। इसीलिए गलती करने से आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेकर के काम में सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है। नए काम में अनुभव की कमी के वजह से गलतियाँ ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियों से डर करके कोशिश छोड़ दे। गलतियों से सीख लें और उन्हें ना दोहराने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। जिंदगी में कभी भी अपनी गलतियों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हम सभी अपनी सफलताओं से ज्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दूसरों के गलतियों से सीखता है, सामान्य व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, और मूर्ख व्यक्ति ना तो दूसरों के गलतियों से सीख लेता है और ना ही अपनी गलतियों से सीख लेता है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गलती भी बड़ी होती है और इन गलतियों से सबक भी बड़ी मिलती है। छोटी सोच रखने वाले लोग दूसरों में गलतियां और खामियां ढूंढते हैं, बल्कि बड़ी सोच रखने वाले लोग स्वयं की गलतियां और खामियां ढूंढते हैं। जब कोई भी कार्य पहली बार करते हैं तो गलती की संभावना 100% होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस कार्य को ही ना करें।